हेलो दोस्तों, आज अपन डैम्प्ड हार्मोनिक ओसिलेटर की डिफरेंट करैक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ओसिलेशंस और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस वीडियो को ठीक से देख लें, तभी आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अपन ने डैम्प्ड हार्मोनिक ओसिलेटर के लिए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा था, जो ये था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2R dx/dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे R B/2m के बराबर होता है, जहाँ पे B कहलाता है डैम्पिंग कांस्टेंट, ओमेगा नॉट ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिसकी वैल्यू √K/m के बराबर होगी। अपन ने तीन केसेस में इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन स्टडी किए थे। पहला केस कहलाता है अंडर डैम्पिंग। अंडर डैम्पिंग के केस में ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर से ज़्यादा होती है। अंडर डैम्पिंग ही वो केस है जिसमें पार्टिकल डैम्प्ड हार्मोनिक ओसिलेशंस करता है। दूसरा केस था क्रिटिकल डैम्पिंग, जब ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर होगी, तो इस केस को अपन कहेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग। और थर्ड केस था ओवर डैम्पिंग, ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर से अगर कम है तो इस केस को अपन कहेंगे ओवर डैम्पिंग। इन दोनों ही केसेस में अपन ये देखेंगे पार्टिकल हार्मोनिक ओसिलेशंस परफॉर्म नहीं करेगा। पहले केस में ही पार्टिकल हार्मोनिक ओसिलेशंस करता है और अपने को पहले केस में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये मिला था एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर -RT साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अपन ने ये देखा था कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। किसी टाइम टी पे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ये होगा ए नॉट ई टू द पावर -RT। तो सबसे पहले अपन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन को ही डिटेल में स्टडी करते हैं। तो देखिए, किसी टाइम टी पे एम्पलीट्यूड को मैं AT से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। टी टाइम पे एम्पलीट्यूड हो जाएगा AT, और AT को अपन ये लिख सकते हैं ए नॉट ई टू द पावर -RT, जहाँ पे R की वैल्यू B/2m के बराबर है। अब देखिए, ऐसा ही एक इक्वेशन आपने रेडियो एक्टिविटी में भी स्टडी किया है। रेडियो एक्टिव सैंपल में कितने एक्टिव न्यूक्लियाई रह जाएंगे टी टाइम पे, उसके लिए ये फॉर्मूला अपने पास होता है एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर -λT। बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला यहाँ पे अपने पास एम्पलीट्यूड के लिए है। टी टाइम पे एम्पलीट्यूड को अपन ने ये लिखा है ए नॉट ई टू द पावर -RT। एक साइकिल के बाद, यानी एक टाइम पीरियड के बाद, टी इक्वल टू कैपिटल टी पे अपन ये देखेंगे एम्पलीट्यूड हो जाएगा ए वन, विच इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर -RT। दो टाइम पीरियड के बाद, यानी दो साइकिल्स के बाद, एम्पलीट्यूड को ए टू से लिख देते हैं। ए टू हो जाएगा ए नॉट ई टू द पावर -2RT। इसी तरह से तीन साइकिल्स के बाद एम्पलीट्यूड को ये लिखेंगे ए थ्री इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर -3RT। एन साइकिल्स के बाद
एम्पलीट्यूड को अपन ये लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस एन आर टी। अगर अपन ए एन माइनस वन और ए एन इनका रेशियो अपन देखें तो ये रेशियो एन से इंडिपेंडेंट आएगा। ए एन माइनस वन की वैल्यू तो ये हो जाएगी ए नॉट ई टू द पावर माइनस एन माइनस वन आर टी, और ए एन की वैल्यू ये होगी ए नॉट ई टू द पावर माइनस एन आर टी। ए नॉट से तो ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ये आएगा ई टू द पावर आर टी। तो अपन ये देख रहे हैं कि इन दोनों एम्पलीट्यूड्स का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, ये रेशियो आ रहा है ई टू द पावर आर टी के बराबर। इसी तरह से अपन ये भी लिख सकते हैं ए नॉट अपॉन ए वन, इसका रेशियो भी यही आएगा, ए वन अपॉन ए टू, इसका रेशियो भी यही होगा ई टू द पावर आर टी, दिस इज इक्वल टू ए टू बाई ए थ्री एंड दिस इज इक्वल टू ए एन माइनस वन अपॉन ए एन। ये रेशियो आपका ई टू द पावर आर टी के बराबर है। यहाँ पे ये जो आर टी टर्म है ये कहलाता है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो आपको ये याद रखना है कि डैम्प्ड हार्मोनिक ओसिलेशंस में लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट अगर दिया हुआ है तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का मतलब है आर टी, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। ये बराबर होगा आर इंटू टी के। अब देखिए जैसे अपन ने रेडियो एक्टिविटी में मीन लाइफ ऑफ ऑसिलेशंस, सॉरी रेडियो एक्टिविटी में अपन ने मीन लाइफ डिफाइन किया था, वैसे ही यहाँ भी अपन मीन लाइफ ऑफ ऑसिलेशंस अपन डिफाइन करेंगे। तो मीन लाइफ ऑफ ऑसिलेशंस क्या होगा वो देखिए, मीन लाइफ ऑफ ऑसिलेशंस इट इज द टाइम इंटरवल, द टाइम इंटरवल इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बिकम्स वन अपॉन ई टाइम्स इनिशियल एम्पलीट्यूड। मैं मीन लाइफ को टी एम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अगर टी इक्वल टू टी एम पे अपन एम्पलीट्यूड देखेंगे तो एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा ए नॉट अपॉन ई। तो देखिए अपने पास ये फॉर्मूला है, टी टाइम पे एम्पलीट्यूड को अपन ने ये लिखा है ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी। इसमें मैं टी की जगह तो टी एम पुट कर देता हूं और ए की जगह ए नॉट अपॉन ई। लेफ्ट हैंड साइड को अपन ये लिख सकते हैं ए नॉट ई टू द पावर माइनस वन, और राइट हैंड साइड में है ए नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी एम। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर्स को इक्वेट करें तो ये आएगा
आर टी एम इज इक्वल टू 1, यानी मीन लाइफ ऑफ ऑसिलेशंस अपने पास ही आ जाएगा 1/r। और आपको ध्यान है r की वैल्यू b/2m के बराबर है, तो मैं r की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो मीन लाइफ ऑफ ऑसिलेशंस आ जाएगा 2m/b के बराबर। नेक्स्ट अपन एनर्जी ऑफ ऑसिलेशंस को स्टडी करते हैं। एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखने से पहले मैं आप लोगों के साथ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का डायग्राम शेयर कर देता हूँ। अपन ने लास्ट क्लास में भी ये डायग्राम देखा था। यहाँ पे देखिए जो पार्टिकल है वो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस करेगा, तो पार्टिकल के पास तो काइनेटिक एनर्जी होगी। किसी इंस्टेंट पे मान लो पार्टिकल जो है उसका वेलोसिटी है वी, और मीन पोजीशन से मान लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट है एक्स, तो स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा एक्स। तो अगर इस ऑसिलेटर की एनर्जी लिखना चाहें तो इस ऑसिलेटिंग सिस्टम की टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, विच इज हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी जो रहेगी हाफ kx² के बराबर। अब देखिए अपन ने ये देखा था नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी √k/m के बराबर होगी, तो मैं स्प्रिंग के फोर्स कांस्टेंट को ये लिख सकता हूँ के इज इक्वल टू एम ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो अपने पास एनर्जी का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा इज इक्वल टू हाफ एम v² प्लस हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर x². इसको अपन इक्वेशन 1 बोल देते हैं। एक्स पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, और एक्स की वैल्यू अपने पास ये है एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर -rt साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे r तो b/2m के बराबर होगा, r की वैल्यू ये रहेगी b/2m, और ओमेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस है जो आपके पास ये रहेगी रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर -r² r की वैल्यू रखें तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर -b² / 4m². अगर अपन बहुत ही कम डैम्पिंग कंसिडर करें तो इन केस ऑफ वेरी लो डैम्पिंग, इन केस ऑफ वेरी लो डैम्पिंग अपन ये कह सकते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन b² / 4m². तो अपने पास ओमेगा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ओमेगा नॉट के ही बराबर हो जाएगी, क्योंकि अपन यहाँ पे ये जो सेकेंड टर्म है इसको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं लो डैम्पिंग के केस में। तो अपने पास ओमेगा ही आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। तो अपन एक्स के लिए ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर -rt, आर की जगह मैं b/2m पुट कर देता हूँ तो bt/2m साइन ओमेगा नॉट
टी प्लस वाई। अब देखिए अपन पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये होगा v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। इस ऊपर वाले इक्वेशन को मैं इक्वेशन टू बोल देता हूं। v अपने पास ये रहेगा, x को अपने को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहां पे देखिए टाइम के दो फंक्शंस हैं, एक तो ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन टू एम, इसमें टाइम आ रहा है, और एक साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव इस टर्म में भी टाइम आ रहा है। तो जब अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल अपने को अप्लाई करना होगा, और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें तो एक बार अपन साइन टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा, साइन की जगह कोस हो जाएगा, ओमेगा नॉट बाहर आएगा, तो ओमेगा नॉट ए ई टू द पावर माइनस बी टी बाई टू एम कोस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। और अब अपन साइन टर्म को एज इट इज रखेंगे, जो ई वाली टर्म है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब अपने पास ये आएगा माइनस बी बाई टू एम ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन टू एम साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। अब देखिए अपन ने डैम्पिंग जो है उसको काफ़ी लो कंसिडर किया है, तो उस केस में ये जो सेकेंड टर्म है, चूंकि ये b से मल्टीप्लाई हो रही है, इस टर्म को अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये काफ़ी स्मॉल होगी लो डैम्पिंग के केस में। तो अपने पास वेलोसिटी के लिए ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा नॉट ए ई टू द पावर माइनस बी टी बाई टू एम कोस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। इसको मैं इक्वेशन थ्री बोल देता हूँ। अब इक्वेशन थ्री और टू से एक्स और वी की वैल्यू अपन इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो अपने को एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आएगा वो देखिए, ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी की वैल्यू रख दीजिए, वी स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी टी बाई एम कोस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। और सेकेंड टर्म है हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू पुट करोगे तो ये टर्म हो जाएगा a नॉट स्क्वायर e टू द पावर माइनस बी टी बाई एम साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। और इन दोनों ही टर्म्स में अपन जो कॉमन टर्म है उसको बाहर निकाल लेते हैं, अंदर साइन स्क्वायर प्लस को स्क्वायर की टर्म आएगी जो वन हो जाएगा, तो एनर्जी का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा अपने पास हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी टी बाई एम। ये जो एनर्जी है ये इनिशियल मोमेंट पे एनर्जी की वैल्यू है, टी इक्वल टू जीरो पे एनर्जी का एक्सप्रेशन है, तो इस टर्म को मैं ई नॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो एनर्जी ये आ जाएगी ई नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी बाई एम, ये एनर्जी का एक्सप्रेशन अपने पास आ जाएगा। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं एनर्जी के एक्सप्रेशन को, हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर और जो ए नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी टी बाई एम है उसको ऐसे लिख लेता हूं ए नॉट e टू द पावर माइनस बी टी बाई टू एम का स्क्वायर, और ये t टाइम पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू है, तो अपन एनर्जी का एक्सप्रेशन ये लिखेंगे हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए टी का स्क्वायर। तो इस फॉर्म में भी अपन टोटल एनर्जी को लिख सकते हैं।
तो ये दो एनर्जी के एक्सप्रेशंस अपने को ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट अपन रिलैक्सेशन टाइम के बारे में स्टडी करते हैं। अब रिलैक्सेशन टाइम के बारे में देखिए, ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर विल बिकम वन अपॉन ई टाइम्स द इनिशियल एनर्जी। इस रिलैक्सेशन टाइम को मैं टाउ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो जब टी की वैल्यू टाउ के बराबर होगी तो ऑसिलेटर की एनर्जी ये रह जाएगी ई नॉट अपॉन ई, ये इनिशियल एनर्जी का वन अपॉन ई टाइम्स हो जाएगी। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन अपने पास ये है, इज इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन एम। तो यहाँ पे अपन ई की जगह तो ई नॉट बाई ई पुट कर देते हैं और टी की जगह टाउ पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ई नॉट ई टू द पावर माइनस बी टाउ अपॉन एम। और ई नॉट से तो ई नॉट कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो ई की पावर माइनस वन होगी, राइट हैंड साइड में ई की पावर है माइनस बी टाउ अपॉन एम। और पावर्स को अगर इक्वेट करें तो बी टाउ अपॉन एम ये आ जाएगा वन के बराबर, यानी टाउ की वैल्यू आपकी होगी एम बाई बी के बराबर। ये रिलैक्सेशन टाइम का एक्सप्रेशन आ गया, रिलैक्सेशन टाइम होगा एम अपॉन बी के बराबर। रिलैक्सेशन टाइम इस चीज को इंडिकेट करता है कि पार्टिकल जो है वो कितना जल्दी मीन पोजीशन की ओर लौट के आता है, क्योंकि मीन पोजीशन जो है वो पोजीशन है जिसमें पार्टिकल रिलैक्स रहेगा। तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है वो टाइम जिसमें एनर्जी जो है वो ई नॉट बाई ई रह जाएगी, यानी इतने टाइम के बाद पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन के काफी नजदीक पहुंच जाएगा। अब सबसे अंत में अपन क्वालिटी फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। क्वालिटी फैक्टर को देखिए, अपन इस तरह से डिफाइन करेंगे, क्वालिटी फैक्टर को अपन कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और कैपिटल क्यू का फॉर्मूला यह होता है 2 पाई टाइम्स एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑसिलेटर अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑसिलेटर को तो अपन ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई, ऊपर तो आ जाएगा ई। नीचे अगर अपने को पावर पता हो तो एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल को अपन ये लिख सकते हैं पी इंटू कैपिटल टी, एक साइकिल का टाइम पीरियड होगा कैपिटल टी। तो अगर अपने को पावर पता है, यानी किस रेट से एनर्जी डिसिपेट हो रही है वो अपने को पता है, तो रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन को अपन साइकिल के टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने को एक साइकिल के अंदर कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई ये पता लग जाएगा। पावर पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये पावर डिसिपेशन है बेसिकली, यानी डिसिपेटिव पावर है। डिसिपेटिव पावर को अपन ये लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी टी, ऑसिलेटर की एनर्जी किस रेट से घट रही है। एनर्जी का एक्सप्रेशन अपने पास ये था इज इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी बाई एम, या इसको अपन ये भी लिख सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम की टर्म्स में ई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो इसको अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ई नॉट तो कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल टर्म को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा माइनस वन अपॉन टाउ ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, वन अपॉन टाउ ई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, इसको अपन फिर से ई लिख देते हैं, तो पावर का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा ई अपॉन रिलैक्सेशन टाइम।
पावर का ये एक्सप्रेशन अपन क्वालिटी फैक्टर जो है उसके एक्सप्रेशन में यूज़ कर लेते हैं। तो Q की वैल्यू ये आ जाएगी, Q इज इक्वल टू 2 पाई E अपॉन, पावर की जगह मैं E अपॉन टाउ लिख देता हूँ, इनटू कैपिटल T। E से E कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन T इनटू टाउ। 2 पाई अपॉन T ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस है, तो इसको अपन ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे और ओमेगा को अपन रिलैक्सेशन टाइम से मल्टीप्लाई करें तो अपने को क्वालिटी फैक्टर मिल जाएगा। अब देखिए इस क्वालिटी फैक्टर का फिजिकल मीनिंग क्या है वो अपन यहां पे देखते हैं। अपने को ये पता है कि एक साइकिल कैपिटल टी टाइम में कंप्लीट होगा, यानी कैपिटल टी टाइम के अंदर जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसका फेजर 2 पाई एंगल से रोटेट हो जाएगा। यूनिट टाइम के अंदर कितने एंगल से रोटेट होगा? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। और अगर रिलैक्सेशन टाइम के अंदर देखूं कि कितने एंगल से रोटेट हो रहा है तो वो कितना आ जाएगा? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टाउ। यही तो क्वालिटी फैक्टर के बराबर है। तो क्वालिटी फैक्टर वो एंगल है जिससे फेजर रिलैक्सेशन टाइम के अंदर रोटेट होता है। तो क्वालिटी फैक्टर को अपन ये लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू एंगल बाय विच फेजर रोटेट्स, फेजर रोटेट्स इन वन रिलैक्सेशन टाइम तो अगर Q की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब ऑसिलेशंस ज्यादा टाइम तक सस्टेन हो रहे हैं, ऑसिलेशंस सस्टेन लॉन्गर, और Q की वैल्यू कम है, क्वालिटी फैक्टर अगर कम है इसका मतलब ऑसिलेशंस जो है वो जल्दी खत्म हो जा रहे हैं, ऑसिलेशंस विल डाई डाउन सून, ऑसिलेशंस विल डाई डाउन सून। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊँगा।